बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऐ थोड़ी गण पंजाबी पठानी तुसी देख रहे मेरे YouTube चैनल। अल्लाह पाक दोनों खुश रखे आबाद रखे। इसे दुआ दे नाल शुरू कर दिया आज दा व्लॉग। आज ना दूसरा मेरे मेहमान आए आ, इस करके तुसी देख रहे होने मेरे घर अज कितना बड़ा पतीला चूल्हे दे उपर चढ़िया वा। तो मैं बनाने लगी हाँ चावल। चावल दे विच ना चिकन जड़ा वा ना वह पावगी, मुर्गी का जोड़ा गोश्त आ वह भी मैं धो के रख दिया वा, चावल जोड़े है ना वह भी भेज के रख ले आ। ते मैं हमेशा चावल जोड़े ना पहले है ना भेज के रख दी हाँ, तो फिर ना मेरे को सही चावल बनते हैं। तो पतीला जोड़ा वा ना इस करके बड़ा रखे मेरे घर ना, अज काफ़ी सारे मेहमान आए आ तो अपने भैन भरावान नाल वीडियो, इस करके मैं आख्या मेरे घर अज मेहमान आए इस करके मैं आख्या वीडियो शेयर करने वाले। चावल जड़े है ना कहते अस चावल खाने हैं, मैं चलो थोड़े फरमैश से अज मैं चावल बना लूँगी। तो अज का जोड़ा दिन आ ना तो शाम आज साढ़े मेहमान के नाते आ, तो चावल बनावगी। चने उदा तो मैं चने जड़े है ना भेज रखे थे सुबह ने, मैं अज मैं चने बनावगी चनिया का सालन। लेकिन फिर मेहमान आ गए तो फिर मैं चावल घर पे सी गोश्त मंगाया, मंगा के तो उस तू बाद फिर मैं चलो चावल बना लवेंगे। तो चने जड़े है ना ये थोड़े जे पावगी चावल से, कुछ ना रख लूँगी फ्रिज से फिर ना कम आ जाएंगे। तो प्याज जड़ा वा ना उपर मैं रख लिया वा, पा लिया वा, ये ब्राउन होएगा ना तो उस तू बाद फिर बाकी मसाले पावगी जी। माशाला प्याज जड़ा वा ना ब्राउन हो गया वा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टमाटर के हरी मिर्चा नमक जोड़ा वा नमक पावगी, बिरयानी मसाले का बाकी मसाले जोड़े है ना वो मैं नहीं पावगी। तो हूँ सिर्फ ना मैं बिरयानी मसाला तो नमक पाया वा, चावल ना ज्यादा आ इस करके मैं ना दूसरा पूरा पैकेट पाया। तो ये पावगी गोश्त, इनू मैं चंगी तरह भुनागी मसाले च। तो मसाले दे विच भुन के ना उस तो बाद फिर दूसरा पानी पावगी अपने हिसाब से। जिहड़े चने आ ना वह ज्यादा होए आ गले हुए आ ते वह ना बाद विच पावगी। माशाल्लाह पानी जिहड़ा गोशत वाला ना उबल गया वा, ये हूँ चावल पावगी। माशाल्लाह हूं ना चावलों को दम देने लगी हाँ। मैनू इतना अंदाजा हो गया मैं देख कली जानी पका सकती हूँ। अच्छा हाँ जी वाह, फिर अपन नाइयां दी जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं है हूं बिशक दी मैनू आजमा के। चलो एत की आप देख ले उन्होंने तो किराए ते आप ही पकावांगे इंशाल्लाह। तवा रखना उते नहीं बस तीन चीज़ का चूल्हा जरा है ना वो मत्था कर देनी है। इस तरह बस हल्की अग पे ना दम आ जाएगा। तो चावल माशाला में दम पर रख दिए तो हूँ अल्लाह खैर रखे अगली बार जो देग पकावेंगे ना तो अल्लाह ने हिम्मत दी तो देग जी ना मैं खुद पकावेंगे। चलो सही है सही है।
ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀਆਂ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਝਾੜ ਲਵਾਂ जी मशाला कोशी वीडियो ना मेरी शाम की बनी है तो हूँ ना हो गई सुबह सुबह के रूटीन के असी तो दूसरा नाश्ता वगैरह सारे ने कर लिया वा मैं ना झाड़ू फेर लिया वा हजे ना सफाई जी ना वो हजे पोछिया फिर आ वा तो दूसरा झाड़ू जोड़ा वा ना मैं घुट के फेर लिया तो यह ना मरीज एक हैगा वा वो भी साडा अपना ही ऑपरेशन होया बच्चा होया वा तो उन्होंने वास्ते ना दूसरा यखनी तैयार कर लगे हैं वह भी हम आए हैं कहते साढ़े वास्ते ना दूसरा यखनी बना दो ना लसन दूसरा काली मिर्च तो हल्दी ये दूसरा असी पाइया गोश्त वो लैके आए थे तो कहते सी यखनी ना सानू बना के दे दो तो यखनी जी है ना वो हैगी बकरे की तो नाल दे नाल ये भी बनावांगे ये भी पकेगा तो नाल ना मैं हम पोचियां जड़ियां ना वो फेर लूंगी तो पोची मां होया अगे तो रेहान जड़ा वा ना मेरी हेल्प कर लैंदा लेकिन रेहान ना पोची जड़ी धोनी है ना ओनू धोनी नहीं आउंदी इहनू मैं पोची धो के फिर उस तों बाद फिर मैं इहनू दिंदी हां पोची ये फेर लैंदा वा तो मेरे ना पता नहीं गोडे दे विच ना इत्थे बहुत शदीद दर्द हुंदी आ मेरे कोल ना बैठ नहीं हुंदा बैठ के कम नहीं कर सकदी इस करके पोचियां रेहान कोल फिरांदी आ तो हूँ अज पोची जी है ना अज पहले मैं चंगी तरह धोवगी उस तो बाद रेहान कहूँगी पोची जी है ना मैं खाई धो ली हाँ पोची धो के ना रेहान बनावगी थोड़ा जहा ना फरमेल जरा वा ना वो पा ली हाँ माशाला दूसरा पोछी जी है ना मैं रेहान धो के देती आ कुरसे वाले भलाका कुरसे लाते वो है टिंग टिंग तो रेहान ना पोछी फेर के देगा ये ना अज रेहान तीसरा दिन ना पोछी फेर के दिता जी तीन दिन हो गए मेरे ना गोडे नू दर्द होंगी मेरे को बैठ नहीं हों इस करके मैं रेहान को पोछी फिर उरे पासे घट पासे वो है पैसे टिंग टिंग वाला तो इनू मैं कह मैं पोची तुसी मैनू फेर के दे देनी है तो झाड़ू ना घुट के झाड़ू लगा होवे ना फिर पोची की इन्नी टेंशन नहीं होंगी फिर बंदा फेर लेंदा वा जी माशाल्लाह बैठक की भी सैटिंग मैं सारी कर ली आज ना मैं ना बहुत ही ज्यादा खुश हाँ तो क्यों जो मैं खुश होंगी है ना तो मेरे भैन भरा जोड़े है ना जे मेरे न बहुत चाहत करते मेरे न प्यार करते वह भी मेरे न बहुत ही ज्यादा खुश होंगे भी मेरे साड़ी भैन जी है ना उन्होंने खुशी आ इंसान की जिंदगी खुशियां कई आदियाँ कोई गम भी आ जाते लेकिन दूसरा अज इस करके खुश हाँ क्योंकि जोड़ा मेरा तीसरा बेटा वा ना जी मैं मंगनी करके आई सी वो बेटा मेरा आ रहा वा तो ना कम करते थे इस्लामाबाद तो अज ना आने लगे आ इस्लामाबाद तो दूसरा काफ़ी सवाल सके जेडे मेरे भैन भरा कहते थे तेरा तीसरा बेटा जोड़ा वा वो तुम नहीं मिला कभी वीडियो च नहीं लैके आए तो अज ना मैं थोड़े न अपना बेटा भी मिलावगी ते दूसरा मेरा बेटा अज आने लगा वा बहुत ही ज्यादा खुशी भी है इंशाल्लाह ते अज वाली वीडियो दे विच तुसी मेरा बेटा मेरे नाल तुसी देखोगे ते क्यों रेहान ते बिलाल तो तुसी देखे आ ते जिहड़ा मेरा बड़ा बेटा वा ना वो नहीं तुसी देखे आ ते इंशाल्लाह अज भी मैं वो दिखावांगी पहुंचण अलावा राती मैनूं फोन आया सीगा कहिंदे सी भी एमी आ अज ना मैं
कल तक भी मैं पहुंच जाऊंगा। तो कल राती फोन आया सी उतों तो चढ़िया हैगा लेकिन इतने हजे तक पहुंचया नहीं, लेकिन पहुंचने वाला वा तो जो पहुंचेगा तो मैं जरूर थोड़े न मिलावगी, तुम दिखावगी मेरा तीसरा बेटा जोड़ा वा। क्यों ना तो मैं कोई चीज़ अज तक कोई लुकई आ, ना मैं कभी झूठ कभी बोलिया वा, जी गल होंगी ना अपने भैन भरावान सच तो बिल्कुल सही मैं करती हाँ। तो क्यों किराए का मकान से उतू अपने मकान से सब वीडियो तुम मेरिया देखिया, हर सच्चाई तुम मेरी सब कुछ देखिया भी इन्हें ना दूसरा कोई झूठ नहीं बोलिया। बच्चे भी मैं शुरू तो लाके अज तिकर मैं अज भी कहनी हाँ मेरे पांच बच्चे आ, ते दो मेरिया बेटिया तीन मेरे बेटे आ, ते लेकिन तीसरा बेटा बेटियां तो कैमरे के अगे आंदियां ने, तीसरा बेटा जिहड़ा वा ना वो अज आउण लगा वा इंशाल्लाह, उन्हां नाल भी तुहाडी मुलाकात करावांगे ते तुसी देखोगे मेरा तीसरा बेटा किस तरह सरप्राइज आपके लिए। हाँ जी, मैं कुछ दिन पहले तुहानूं वीडियो दे विच किया सीगा जिहड़ी जिस दिन मैं आह बैठक दे विच कलीन विछाई है ना, ते अज भी मैं वो बैठक दे विच खड़ी हाँ। ए थी ना मैं दूसरा पोची वगैरा सारा कर लिया वा, इधर ना सैटिंग एदी ना कर ली आ, ते अज भी मैं बैठक च खड़ी हाँ। मैं दसिया सी तुहाडे वास्ते सरप्राइज आ, ते वो सरप्राइज यही आ, ते अज मैं अपने बड़े बेटे दे नाल ना तुहानूं मिलावांगी। मोटरसाइकिल दी ना आवाज ना मैनूं आ रही आ, रिहान नूं मैं भेजिया सीगा, मैं आख्या तुसी ना जाके अड्डे च ना अपने भाई नूं लै के आओ, ते मैनूं लगदा वा आ गए आ। सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम मेरे बहन भाई, कैसे हो सब? ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह नाश्ता जड़ा वा ना वो मैं तैयार किया वा, ते तैयार कर लिया वा, ते हुण ना कपड़े हैं दूसरा चेंज करन लगा वा, मैं कहा तुसी थोड़ा ना फ्रेश हो जाओ ते उस तो बाद फिर तुसी नाश्ता कर लेना वा, ते क्यों सारी रात सफ़र करके आया वा, सफ़र तो बंदा आवे ना ते वैसे भी कुछ नींद ही मसला बन जाता, कुछ वैसे ही बंदा थोड़ा फ्रैश हो जाए ना ते फिर सही होंगे। ते नाश्ता जड़ा वा ना मैं तैयार कर लिया वा, हुण करेगा नाश्ता ते अपने भैन भरावान नाल शेयर करांगे। बिस्कुट ते नाल चाय आ, थोड़ा जहा फ्रैश हो जाएगा ना ते फिर बंदे की सेहत भी अच्छी हो जाती है, ते इस करके हूँ फ्रैश होया नाश्ता करेगा हल्का फुल्का नाश्ता करना मैं करूँगा। रिहान का नाश्ता कर कटे आ, रिहान का सुबह सुबह माशाल्लाह उदा नाश्ता ना सही होंगे, रिहान सुबह रोटी तो बगैर नाश्ता किसी चीज ना नहीं करता, सुबह रोटी चाय जी और नाश्ता इस चीज ना करता वा। फिलहाल जोड़ा वा ना वो रस वगैरह खा लेंगे आ, ते हर तीन है कि तीन का मुख्तलिफ नाश्ता। इस वीडियो का मैं इतने करांगी एंड, अज का वलो मेरे से अगर मेरा वलो पसंद आया हो मेरे चैनल में सबसक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। इसे अपनी भैन को इजाजत, अल्लाह हाफिज़।